अमेठी में जमीनी विवाद में युवक को मारी गई गोली, युवक की मौके पर हुई मौत। पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। युवक की हत्या के मामले में ग्रामीणों में रहा है जबरदस्त आक्रोश। ग्रामीण पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग, तभी उठाने देंगे लाश। ग्रामीणों ने आरोपी व्यक्ति का पुलिस के साथ रहने पर लगाया गंभीर आरोप। गांव के ही लोगों पर हत्या कर शव फेंकने का है आरोप। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पूरे भुलई गांव का है मामला। इन्होंने चार लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई है, जिसमें की टीमें गठित करके रवाना कर दिया गया है साक्ष्य संकलन के लिए और गिरफ्तारी के लिए। यथाशीघ्र अभी टुकड़ों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। अमेठी में घने कोहरे का कहर जारी। घने कोहरे के साथ बड़ी ठंड। घने कोहरे के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा। तेज कोहरे से किसानों की हरी फसल पर मंडरा रहा है खतरा। तेज गलन होने के कारण घरों में रहने को मजबूर हैं लोग। ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे हैं सहारा। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा रात्रि गश्त पर निकलकर आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ की गई। वाहनों की भी चेकिंग की गई। थाना कोतवाली नगर, थाना कोतवाली देहात व थाना लंबुआ क्षेत्र में की गई चेकिंग। भदैया बैंक ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को चेक किया गया। थाना लंबुआ का औचक निरीक्षण भी किया गया। सुल्तानपुर के कादीपुर में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण अभियान का हुआ शुभारंभ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कादीपुर में कोविड-19 वैक्सीन का पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कादीपुर के अधीक्षक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि पहले चरण में चिन्हित कुल 200 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले से बने दो बूथों पर वैक्सीन लगाया जाना था। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। पूरी तरह से सुरक्षित है। अभी फिलहाल के लिए स्वास्थ्य कर्मी जितने हैं उन्हीं को लगाया जा रहा है पहले फेज में। इसके बाद दूसरा फेज चलेगा तब 50 साल के ऊपर के उम्र वालों को और कुछ गंभीर बीमारियों से जो ग्रसित हैं उनको लगाया जाएगा। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिला पंचायत सुल्तानपुर के सामने पुलिस बल के साथ संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की गई। गाड़ी पर लगी ब्लैक फिल्म, लगे वाहन को रोककर फिल्म उतरवाई गई। जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सिंगल क्लिक में DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस्त की धनराशि उनके खाते में सीधे हस्तांतरित की गई। कुल 3,42,322 लाभार्थियों को ₹2,409 करोड़ का ऑनलाइन हस्तांतरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजकीय निरीक्षण भवन गोरखपुर से किया गया। सुल्तानपुर के बल्दीराय में अव्यवस्थाओं के बीच संपन्न हुआ 35 जोड़ों का सामूहिक विवाह। ब्लॉक में कुछ कन्याओं के मुख्य परिवारजनों को लंच पैकेट तक नहीं मिली तो कुछ दूल्हे का जूता दोनों जोड़ों का गायब हुआ। ब्लॉक गेट मुख्यालय पर दोपहिया चार पहिया वाहन इधर उधर बिखेरे पड़े रहे, जिसके कारण घंटों लगे जाम में लोग परेशान दिखे। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 News Channel।